हेलो एवरीवन मैं एक अहमदनगर में से एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और अभी आपने मेरे बारे में सुना कि मैं एक इथिकल हैकर हूँ आपको लगा होगा हैकर मतलब एक कुछ भी हैक कर सकता है बट मेरे नाम के आगे एक इथिकल वर्ड लगाए मतलब मतलब मैं कि एक लीगल हैकर हूँ जो चोरों को पकड़ता है लाइक इ लीगल हैकरस को हम पकड़ते हैं तो मेरी जर्नी की शुरुआत जब मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में था तब हुई थी मैंने तब प्लेयर्स नाम की एक मूवी देखी थी तो उसमें एक सीन था कि हैकर हैक करके गोल्ड चोरी कर लेता है तो देन मैंने उस पर ऊपर स्टडी स्टार्ट किया कि लाइक व्हाट इज़ हैकिंग और व्हाट इज़ इथिकल हैकिंग तब लोग मुझे पूछते थे कि तुम आके जाकर क्या बनोगे तो मैं बोलता था हैकर बनोगा तो लोग बोलते थे हैकर मतलब क्या आप चोरी करोगे बट मैं बोलता तब मुझे भी पता नहीं था कि वॉट इज़ एन इथिकल हैकर सो मैं बोलता था सिर्फ हैकर बनना है देन उसके बाद मैंने उसमें स्टडी स्टार्ट की तब मैंने मेरे भाई को बोला था कि मैं अगर आपका जी अकाउंट हैक कर दूँ तो आप मुझे लैपटॉप गिफ्ट करेंगे क्या तब मैंने उनका जी मेल अकाउंट हैक किया था तब उन्होंने मुझे लैपटॉप गिए गिफ्ट किया था देन उसके बाद मैंने उस पर स्टडी स्टार्ट की कि व्हाट इज एन इथिकल हैकिंग तो उसके भी लाइक like बेसिक्स रहते हैं लाइक वेबसाइट नेटवर्क और मोबाइल ऐप उसमें से मुझे वेबसाइट uh, बहुत पसंद था वेबसाइट पर जब मैंने स्टडी स्टार्ट की थी तब मेरा गोल फिक्स था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इथिकल हैकर ही बनना है बाकी कुछ नहीं बनना उसकी वजह से मैं इलेवेंथ स्टैंडर्ड में सभी सब्जेक्ट में फेल हुआ था तब मेरे टीचर्स और टीचर्स बोले कि आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में पास नहीं हो सकते तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते तब मैंने मेरी पहली वेबसाइट एज एजुकेशनल पोर्टल बनाया था एलेवेंथ स्टैंडर्ड में बट मैं फेल हुआ था उसकी वजह से मेरे पिताजी ने चार साल तक मुझसे बात नहीं की देन बट मेरी मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया कि वो बोली कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इथिकल हैकिंग पर ही फोकस करो देन कैसे तैसे करके मैंने एलेवं स्टैंडर्ड पास कर लिया और मैंने बी सी ए फर्स्ट ईयर में पूना में एडमिशन ले लिया तब मुझे दो मैंटर्स मिले उन्होंने बताया कि जो एक्चुअल में इथिकल हैकिंग रहती मतलब वो क्या रहती है उन्होंने मुझे सिखाया कि वॉट इज एन बग बाउंटी बग बाउंडी बेसिक में बताऊँ तो आप किसी भी रेप्यूटेड कंपनी की वेबसाइट में बग फाइंड करो देन आप उनको बताओ देन वो कंपनी आपको पे करते है अदरवाइज उनके टॉप टेन हॉल ऑफ फेम में आप आपका नाम आ सकता है ऐसे मुझे पहली बाउंडी मिली थी डेढ़ लाख की मैंने घर पे बताया कि मुझे एक इंटरनेशनल कंपनी ने पेमेंट दिया है बट वो बोले कि ऐसा थोड़ी होता है क्योंकि ऑनलाइन थोड़ी कोई पेमेंट करता है इतना बड़ा वो बोले कि जब आ जाएगी तब बता देना तब मैंने उनको मेरा पहला पेमेंट दिखा है कि ये देखो मेरा पेमेंट आ गया तब भी पिताजी खुश हुए बट उन्होंने बात नहीं की उसके बाद मैंने उस पर पूरा कॉन्सन्ट्रेट किया कॉलेज में नहीं जाता था एक बार कॉलेज वालों ने मुझे बुलाया कि अब कॉलेज क्यों नहीं आते तो मैंने बोला कि मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ तो बोले ठीक है उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया देन उसके बाद मैंने 150 फिफ्टी प्लस कंपनीज में बग्स फाइंड करके उनको बता दिए देन वो उस उन्होंने मुझे बाउंड्रीज भी दी एज वेल एज उनके हॉल ऑफ फेम में आज मैं लिस्टेड हूँ उसमें बहुत सारी कंपनीज है देन uh, मैंने ऐसे ही मेरे दोस्त ने बताया था कि आप आ, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करो क्योंकि इससे पहले के जो ईथिकल हैकर थे वो 20 इयर्स के थे और मैं तब 17 इयर्स का था तब मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया अगले दिन ही उनका मुझे कॉल आया था कि आप आ, वन ऑफ इंडियाज यंगेस्ट इथिकल हैकर हो और हम हम आपको रिवॉर्ड देते हैं देन उसके बाद मैंने मेरा स्टडी स्टार्ट रखा बट मुझे लाइक खुद का कुछ तो स्टार्टअप करना था बट ये मालूम नहीं था कि ईथिकल हैकिंग में भी मैं ख़ुद का स्टार्टअप कर सकता हूँ देन मैंने एक कंपनी स्टार्ट की जो कैनवा कंपनी है फोटो एडिटिंग उन्होंने मुझे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ रिवॉर्ड दिए थे मैंने उनकी वेबसाइट में बग निकाला था घर वालों ने कभी सपोर्ट नहीं किया क्योंकि लाइक like, वो बोलते थे कि आप एक जॉब करो स्टेबल जॉब करो फिर भी मैंने रिस्क ली कंपनी मेरी स्टार्ट की सबसे पहले हम इथिकल हैकिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे बट हमें एक इंस्टीट्यूट बन के नहीं रहना था तो हमें वन ऑफ इंडियाज लीडिंग साइबर सिक्योरिटी में एक कंपनी बनानी थी देन उसके बाद हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की मैं क्लाइंट को जाके पीच करने लगा कैसे कैसे क्लाइंट आ गए देन उसके बाद एक बार एनुअल फंक्शन था कॉलेज में उन्होंने मुझे बुलाया और बोले कि आप अगर ये करते हो तो आपके लिए एक सरप्राइज है तब मुझे हमारे कॉलेज में गूगल पे के जो वाइस प्रेजिडेंट है उन्होंने फेलिसिट किया था देन थैंक <laughs> यू देन एक मेरे दोस्त ने बताया कि ना पुना में एक अवार्ड है तो आप उसके लिए अप्लाई कर दो मैंने ऐसे ही मजक मज़क में अप्लाई कर दिया था पता नहीं था कि मुझे भी अवार्ड मिलेगा बट उनका भी अगले दिन कॉल आया कि आप आपको हम अवार्ड दे रहे तो आप आ जाओ तब ये ये मैंने चीज़ मेरे पापा को बताई थी तो वो रो पड़े थे बट उन्होंने फिर भी बात नहीं की बट जब मेरे गांव में लोगों ने मुझे फेलिसिट किया तब चार साल के बाद मेरे पापा ने मुझसे बात की थी कि लाइक आप लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर सकते हो देन उसके बाद मैंने एक कंपनी में इंटर्नशिप भी स्टार्ट की बट uh, मुझे खुद का स्टार्टअप करना था तो एक साल मैंने वहाँ पर स्टडी करके लाइक एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी में बिज़नेस कैसे कर सकते हैं उसका जो स्टडी वो किया देन उसके बाद मैंने कंपनी स्टार्ट की क्लाइंट तो आते गए बट एक साल ऐसा गया कि टोटली totally मैं बैंक करप्ट हो गया था तब मैं 18 इयर्स का था तब बिजनेस का नॉलेज भी नहीं था तब जितनी भी मेरी सेविंग्स थी बग बाउंडीज से वो सभी चली गई बट मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मेरे पिताजी भी बोलते थे मम्मी भी बोलती की थी कि आप स्टॉप करो और एक स्टेबल जॉब करो बट मुझे खुद पर बिलीव था कि मैं इस फील्ड में कुछ ना कुछ करूँगा और एक चीज़ मैं भगवान को भी बहुत मानता हूँ मैं ऐसा मानता था कि लाइक भगवान की मेरे ऊपर कृपा है इसके लिए मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ उसके बाद मैंने कंपनी स्टार्ट करने के बाद कुछ क्लाइंट तो मेरे मुंह पर ही बोल देते थे कि आपकी एज मैटर करती है आपको हम क्लाइंट देंगे वो बहुत बड़े क्लाइंट थे उन्होंने कभी मुझे प्रोजेक्ट नहीं दिया उन्होंने मुंह पर बोल दिया कि हाँ आप हमें हम आपको प्रोजेक्ट कभी नहीं देंगे फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैं और मेरे दोस्त ऐसे ही घूमते रहते थे किसी भी कंपनी को पिच करते करते थे कि लाइक आप हमारी सर्विसेज ले लो आप हमारी सर्विसेज ले लो बट भगवान की कृपा से और मेरी मेहनत से आज वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग कंपनीज मेरी क्लाइंट है और हमने कभी भी रोक के नहीं रखा और आज हम वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग साइबर सिक्योरिटी फर्म है देन उसके बाद एक इंसिडेंट बताता हूँ जो हीरोपंथी मूवी है आ, उसके एक एक्टर है वो अपनी अगली फिल्म लॉन्च करने वाले थे उन्होंने इंस्टा पर स्टोरी डाली थी मैंने ऐसे ही उनको मैसेज कर दिया कि लाइक like, हम एंटीवायरस सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो वो बोले ठीक है आ, ओके मैंने उनको नंबर दे दिया बट अगले दिन ही उन्होंने मुझे खुद से कॉल किया कि हम आपकी सर्विसेज ले रहे तो आप हमें सर्विसेज दे दो देन उसके बाद मैंने एक दो महीने तक काम किया उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा हम हमेशा गुड क्वालिटी वर्क पे हो और वो भी कम से कम टाइम में अभी हम कभी भी किसी के भी साथ वर्क करते तो हम लॉयली वर्क करते बिकॉज ये हमारा मोटो है बिकॉज अगर मुझे बिजनेस में टिकना है तो मुझे इस पर फोकस करना होगा देन उसके बाद मैंने देखा कि इंडिया में साइबर क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है इसकी वजह से मैंने देखा कि स्कूल में भी सिखाते नहीं एक लाइक व्हाट इज एक्चुअल साइबर क्राइम और वो होता कैसे है देन उसके बाद हमने फ्री वर्कशॉप देना स्टार्ट कर दिया अब तक हमने पाँच से भी ज़्यादा स्टूडेंट को इथिकल हैकिंग में ट्रेन किया है देन उसके बाद एज वेल एज हम पुलिस को भी साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन अभी हम प्रोवाइड करते हैं तो अब तक मैंने जो भी अचीव किया है वो हंड्रेड में से सिर्फ वन परसेंट ही अचीव किया है मुझे नाइन्टी नाइन परसेंट अचीव करना है अभी बट मैं आपको यही बोलना चाहूँगा अगर आपने कभी ड्रीम देखा है तो उस पर लगे रहो और नेवर गिव अप थैंक यू